पहले से ही मनाया जा रहा है। इस 26 जनवरी को हम एक स्वाधीन स्वराज दिवस के रूप मनाते हैं और हमने 18 वर्ष तक 26 जनवरी को हमने स्वराज दिवस के रूप में हमने मनाया था। आजादी होने के बाद में हमने 26 जनवरी 1950 के बाद से इस 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में। जानकारी नहीं है मेरे लिए भी, मुझे नहीं पता था वाकई की वास्तव में गणतंत्र दिवस को स्वराज दिवस भी कहा जाता है और ये बहुत पहले से ही मनाया जाता जा रहा है। बिल्कुल, और हमने करीब 18 वर्षों तक हमने 26 जनवरी को आजादी से पहले से उसको हम स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इससे हमने पूर्ण स्वराज की मांग की थी और भारत को हमने पूर्ण गणतंत्र घोषित करने के लिए हमने मांग की थी। बहुत अच्छी बात है। मैं एक बार और पूछना चाहूंगी मिस्टर विमल जी से, जिस तरीके से हमें पता है हमारे संस्था के जो डायरेक्टर है हुनर दान संस्थान के विमल जी, और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने अभी यहाँ पर समाज सेवा करनी आरंभ की हमारे साथ ही संस्था के साथ मेरे साथ मिलकर, और इन सब के पहले भी आप अपने भारत माता की सेवा करते आ रहे हैं जो भारतीय नौसेना के जवान रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे देश के जवानों के लिए जो जहाँ पर अभी आप सेवा कर रहे थे, सेवानिवृत्त होकर आ चुके, वहाँ का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है और देश के जवानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं देश के जवानों के लिए ये बोलना चाहूंगा कि देश के जवान जो है हमारे देश के सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे बॉर्डर की सुरक्षा कर रहे हैं, तो हमें एक गर्व होना चाहिए कि हमारे देश के जो जवान हैं जो कि हमारे देश के बॉर्डर की सुरक्षा कर रहे हैं, जितने भी सशस्त्र सेवा बल है जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CSF, CISF, जितने भी हमारी सशस्त्र सेनाएं हैं, उन सेनाओं के जवान हैं जो निरंतर देश की हमारी सेवा कर रहे हैं, हमारे बॉर्डर को सुरक्षित करते आ रहे हैं। इसकी वजह से आज हम स्वतंत्र रूप से सारे त्यौहार मनाते हैं, सारे पर्व मनाते हैं, अपने परिवार के साथ में खुशियां सेलिब्रेट करते हैं, तो किसकी वजह से? हमारे देश के जो सशस्त्र सेना बल के जवान हैं उनकी वजह से। तो हमें इस चीज का गर्व होना चाहिए कि हमारे देश के जो हमारे जो जवान हैं वो हमारे लिए निरंतर बॉर्डर पर लगे रहते हैं, जो -50 डिग्री टेम्परेचर पे भी हम थोड़ी सी ठंड में जो हम 4 डिग्री या 5 डिग्री टेम्परेचर पे हम अपने आप को इतना बिल्कुल कांप जाते हैं, अपने घर के अंदर इतना कंबल ओढ़ के बैठ जाते हैं, उस टेम्परेचर में वो अपने बॉर्डर पे -50 डिग्री टेम्परेचर हो तो केवल 4 डिग्री 5 डिग्री पर इतने अपने लोग को ठंड महसूस करते हैं, वो -50 डिग्री के टेम्परेचर में। देश के जवानों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत गर्व है हमें कि हमारे हमारे देश को बचाने के लिए ऐसी सीमा पर अपनी बराबर ड्यूटी दे रहे हैं। एक सलूट तो उनके लिए बनता है। तो वो जवान हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित कर रहे हैं, आज उनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, हम अपने देश को सुरक्षित कर पा रहे हैं, हम अपनी खुशियों को लोगों के साथ में, अपने परिवार के साथ में, अपने समाज में सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, तो सिर्फ देश के जवानों की वजह से। इसलिए हमें अपने देश के जवानों के प्रति गर्व होना चाहिए और जब भी हमारे देश के जवानों के बारे में बात हो तो हमें अपने सीना चौड़ा करके बोलना चाहिए कि हम भारतीय, हमें अपने भारतीय सेना पर तथा सेना के जवानों पर गर्व है। बहुत अच्छी बात कही आपने, और इन सबके साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी विमल जी कि आपने भारतीय नौसेना में रह के काफी सारा समय व्यतीत किया है, तो वहाँ पर आपने गणतंत्र दिवस 15 अगस्त किस तरीके से सेलिब्रेट किया है, क्या आपका वहाँ पे एक्सपीरियंस रहा है, वो हम आप सबके सामने सुनना चाहते हैं। हमारे साथ हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं या हमारे सोशल मीडिया जो माध्यम बन रहा है, क्योंकि अभी इस बार कोविड के रहते हम लोग वो प्रोग्राम बाहर नहीं कर पा रहे हैं, हर साल बराबर हम लोग बाहर जाते थे और बच्चों को प्रिपेयर करते थे, पैकियों की थीम बनाते थे, जिसमें हमारे जो विमल जी है यहाँ पर रहकर और सेवा में जो निवृत्त वहाँ पर ड्यूटी पर थे, तभी उन गानों की कटिंग करना, मैशअप करना, हम आपको बताना चाहेंगे कि जितनी बार हम वहाँ पर जाके बच्चों को ट्रेनिंग देते थे वो गानों का मैशअप एडिट हमने किया है, लेकिन मैशअप हमारे विमल जी ने दिया है, वो ऑन ड्यूटी ही दिया है। तो एक सलूट आज मैं दर्शकों के सामने करना चाहूंगी कि ये सेवा इन्होंने तब भी की थी मेरे साथ, मैं वहाँ पर जमीनी स्तर पर सेवा कर रही थी, लेकिन ये हाइडेंस सेवा देते थे छिप कर वहाँ से पीछे रहकर। तो अभी कोविड के दौरान हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से के यहाँ पर एक संदेश देना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा माध्यम, अब तो सोशल मीडिया घर घर पहुँच चुका है और हम लोग यूट्यूबर भी है, तो इसलिए हमारे चैनल के माध्यम से हम एक बार फिर आपसे ये सारी जानकारी ले रहे हैं। हमारे बहुत अच्छा अवसर है कि हमारी संस्था के आप डायरेक्टर हैं और इसके साथ भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त एक अफसर भी रहे हैं, तो कैसा आपका वहाँ पर एक एक्सपीरियंस रहा है जो हमारे सामने आप शेयर करेंगे? मुझे इस बात की बहुत गर्व है कि मुझे सौभाग्य मिला कि मैं अपने देश की सेवा कर सकूं और मैं भारतीय नौसेना में रहा हूं और भारतीय सेना का कभी भी हिस्सा रहा हूं, उसके लिए मुझे बहुत गर्व है कि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाऊंगा। तो मैं अपनी भारतीय नौसेना से निवृत्त हो चुका हूँ, लेकिन जब मैं भारतीय नौसेना में था, जब सभी लोग पता है कि भारतीय नौसेना में युद्ध पदों पे जब भी स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस की तैयारियां होती है तो वो पहले से तैयारियां शुरू हो जाती है, उसके
के लिए जब भी ऐसा होता था तो हम लोग अपनी यूनिफॉर्म को अपने सारे जितने भी हमारे जो मेडल्स वगैरह होते हैं उनके हम अच्छे से बिल्कुल रेडी रखते हैं ताकि जब भी हमारे जब नेक्स्ट डे हमारा 26 जनवरी या 15 अगस्त जब भी होता था तो हम लोग पहले से ही हमारे यूनिफॉर्म को बिल्कुल रेडी करते थे, हमारे शूज को, अपने बूट्स को रेडी करते थे, अपने मेडल्स को, अपने रिबन्स को, बैज को, टैलीज को सबको रेडी करते थे। रेडी करने के बाद में अगले दिन सुबह मॉर्निंग में 4:30 या 4 o'clock के आसपास हमारा हैंड्स कॉल होता था। हैंड्स कॉल मतलब जो नेवरल टर्मिनोलॉजी है उसमें हैंड्स कॉल बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सुबह उठने को बोलते हैं, सुबह उठना अर्ली मॉर्निंग, तो उसको नेवरल टर्मिनोलॉजी में उसको बोलते हैं हैंड्स कॉल। तो सुबह हम 4:30-4:45 के आसपास हम लोग उठते थे और उसके बाद नहा धोकर ब्रेकफास्ट करके हम लोग 6 o'clock हम जो हमारा फ्लाइट होता है, जो सिक्का फ्लाइट होता है जहाँ पर हमारी फ्लाइट लैंडिंग और टेक ऑफ करती है, जो 29 के और ये हेलीकॉप्टर्स जो उसके बाद परेड जब ओवर हो जाती है उसके बाद में दोपहर में जो लंच टाइम होता है उसमें बड़ा खाना होता है, जैसे कि हम लोग आपस में गेट टुगेदर करते हैं वैसे ही नेवी में क्या होता है दोपहर का जो लंच होता है उसको हम बड़ा खाना बोलते हैं, उसमें बहुत सारी डिशेस बनाई जाती है और स्पेशल थीम पर, जैसे कि जो हमारा भारतीय जो तिरंगा है तिरंगे की थीम पर राइस तैयार किया जाता है, इसको तिरंगा राइस खाने वाले राइस को तिरंगा राइस बनाया जाता था। बिल्कुल पूरे तिरंगे थीम बनाई जाती है, उस थीम पर स्पेशल सब लोग इकट्ठा होते हैं, हमारे सारे इंपोर्टिंग अफसर है, कमांडिंग अफसर है, सारे नौसैनिक एक जगह बैठ कर मतलब लोग वहाँ पर बड़ा खाना खाते हैं। हम लोग अपने आप से सारी डिशेस तैयार करते हैं तो कभी उसको डेकोरेट करते हैं, टेस्ट तो उसका हर दिन के खाने की अपेक्षा उस दिन का जैसे डिफरेंट होता है, जैसे हम लोग नॉर्मल घर पे खाना बनाते हैं नॉर्मल खाना बनता है, लेकिन जब कुछ प्रोग्राम होता है तो उस खाने में सारे व्यंजन सारा स्वाद डालने के लिए उसको अच्छे तरीके से बनाते हैं, वैसे बड़े खाने में बहुत सारी जो डिशेस होती है तैयार की जाती है, सब लोग एक साथ मिलते हैं वहाँ पर साथ में बड़ा खाना खाते हैं वहाँ पर यूनिफॉर्म में ही। तो इस तरीके से हमारा पूरा जो त्यौहार वो मनाया जाता है, जो हमारे इस राष्ट्रीय पर जो हमारा 26 जनवरी हो या इंडिपेंडेंस डे हो, तो दोनों हमारे यहाँ पे जो डिफरेंस इस तरीके से मनाया जाता है। बहुत अच्छी बात है, ये सब तो हमें जानने को ही नहीं मिलता अगर विमल जी नहीं होते कि भारतीय नौसेना में रह के या इंडियन आर्मी क्या क्या करती है, किस तरीके से सेलिब्रेट करती है। आज जैसा कि आजकल ट्रेंड है लोग क्या करते हैं कि एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके थीम बनाते हैं, तो वहाँ पर हमारे देश के पर्व बहुत बड़ा पर्व जिसे गणतंत्र दिवस या बंगलाटस कहते हैं, वहाँ पर देश के जो फ्लैग है झंडा है उसके आधार पर ही राइस डेकोरेट किया जाता था और उसे वैसे खाने में स्वाद डाल बनाया था। ये बहुत अच्छी बात है, ये हमें नहीं पता था और सारी जानकारी आपके माध्यम से आ रही है। हमारे सब्सक्राइबर जो सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं और इतनी अच्छी जानकारी हम आपको देते हैं, तो हम चाहेंगे अगर हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करिए और बेल आइकन का ऑल वाला बटन जरूर प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सके, क्योंकि हमारी जो संस्था है ये संस्था एक मुहिम चला रही है, इस मुहिम के तहत हम सारी बेटियों और महिलाओं को हुनर देते हैं, हुनर देकर उनको हुनर बन लाते हैं ताकि बहुत सारी महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके, जो हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी की जो योजना है कि आत्मनिर्भर भारत होने की, उस योजना को हम खुद आगे इसी संस्था के माध्यम से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो महिलाएं बेटियां हैं वो आत्मनिर्भर बन सके, उनके अंदर वो हुनर आ सके और हुनरमंद होकर खुद वो इंडिपेंडेंट बन सके, किसी पर डिपेंडेंट ना रहे। बिल्कुल, मैं स्वयं अपने साथ या 12 हुनर का दान करती आ रही हूँ बराबर, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास जिस चीज की विशेषता है आप धन से तन से मन से या किसी हुनर से अगर विशेष तौर पर भरे हुए हैं तो उसका दान अवश्य करें क्योंकि जीवन ईश्वर एक ही बार देता है, इसका इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक है। तो मैं अपने हुनर का दान करने के माध्यम से इस चैनल का जो वो कर चुकी हूँ और धीरे धीरे पहले हमारा चैनल नाम चलता प्रियतम चले था, लेकिन मैं हुनर का दान करने के साथ ही इस चैनल का नाम हुनर दान रख चुकी हूँ, क्योंकि परमानेंट लगातार 2013 से मैं यहाँ पर हुनर का दान ही कर रही हूँ और इसके बाद इसी चीज को इसी को कंटिन्यू करने के लिए हमारे साथ भारतीय नौसेना से निवृत्त विमल कुमार जी हैं
और ये भी अपनी जो सेवानिवृत्ति के बाद वहाँ की जो अर्जित किया है भारतीय नौसेना से वो हमारे समाज को दे रहे हैं। तो हर एक व्यक्ति विशेष के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं और बराबर जो जरूरतमंद बेटियां हैं, जरूरतमंद महिलाएं हैं, जरूरतमंद समाज है उन तक पहुंचते हैं, उन चीजों का हम दान करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन सब में जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अधिक से अधिक नहीं करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर नहीं करेंगे, हमारी ये मुहिम सफल नहीं होगी। तभी हम बार बार आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। और कुछ नहीं जाता, आप एक सब्सक्राइब करेंगे तो इससे केवल इतना ही है कि हमारा आप लोगों के साथ ही माध्यम बनेगा उन घरों तक पहुंचने का जहां तक हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के मुख्यमंत्री जी या जो सारी योजनाएं दे रहे हैं तो वो ऐसे ही नहीं पहुँच जाएंगे। हम आप सब तक एक दूसरे तक माध्यम बनेंगे, क्योंकि जब तक माध्यम माध्यम से नहीं जुड़ेगा वो सारी चीजें एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाएगी। हम समाज सेवी होने के साथ साथ अपने एक दायरे तक सीमित है, लेकिन जब आप हमारे वीडियो को शेयर करेंगे तो हम जन जन तक पहुंचेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे भारत वर्ष में ना जाने कितनी जगह सारी बातें पहुंचेगी, ना जाने कितने लोगों के दिलों में हम प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। तो यही प्रेरणा का स्रोत लोगों के दिलों में, लोगों के हृदय में, लोगों के दिमाग में ये जगाएगा कि नहीं हमें हुनर का दान करवाएं, यानी कुछ नया सीखने को मिलेगा। हर एक व्यक्ति से कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। मैं किसी दूसरे से सीखती हूँ, आप हमसे सीखते हैं, बच्चे और किसी से सीखेंगे या किसी को देंगे, इसी का नाम है हुनर का दान। तो अब हम अपने इस वीडियो को अधिक बढ़ाना नहीं चाहते हैं, बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आज के दिन हमारे गणतंत्र दिवस को लेकर के जो हमारे हम दोनों लोगों ने मिलकर बातें कही है, समाज तक एक संदेश जाना चाहिए था, वो कोविड के लिए भी हम बोलना चाहेंगे। कोविड के लिए बोलना चाहूंगा कि जैसे कि हमारी संस्था के द्वारा हर वर्ष इस पेट्रियोटिक थीम पर हम सरकारी विद्यालय के बच्चों को तैयार करा के उनका प्रोग्राम कराते थे और वहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष जो हृदय दीक्षित जी हैं उनके द्वारा उनको सम्मान मिलता था हमेशा। लेकिन इस कोविड की वजह से स्कूल सारे बंद है तो वो प्रोग्राम हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपके पास पहुंचे अपनी बात। तो लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग इस कोविड के समय पे अपने घर पर सुरक्षित रहेगा, जब तक जरूरत ना हो बाहर ना निकलेगा, बाहर जाते हैं तो आप मास्क का प्रयोग करिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए और घर वापस आने के बाद में अपने हाथों को सैनिटाइज जरूर करिए, ताकि आप अपने फैमिली वालों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। क्योंकि सरकार केवल सारी योजनाएं हैं या सारे तरीके हैं, सारे सुरक्षा प्रोटोकॉल्स को गवर्नमेंट ही नहीं करेगी, हम सबको भी इसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम एक कोरोना मुक्त भारत बना सकते हैं। और कोरोना मुक्त भारत बनाने में हर एक प्रति व्यक्ति की जरूरत है, क्योंकि जब हर व्यक्ति इसके लिए जागरूक होगा तभी हम पूरे भारत को कोरोना से मुक्त कर सकते हैं। इसलिए हम बिल्कुल सभी की इसकी सहयोग से ही, एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे को जागरूक करके ही हम इससे मुक्त हो सकते हैं। बिल्कुल। और वीडियो को अधिक लंबा ना करते हुए अब मैं अपने देशवासियों और देश के नौजवानों के लिए बहुत बहुत ज्यादा यहाँ हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।